तम प्रधान मोदी మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం इस योजना से बिना भेदभाव जल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सबको मिलती है तो सबको बिना भेदभाव मिलती है। आज पीएम आवास के घर मिलते हैं तो सबको बिना भेदभाव मिलते हैं। आज आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है तो बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति को इसका फायदा होता है। सरकार की इस अप्रोच ने समाज में लोगों में दशकों से व्याप्त असंतोष को समाप्त किया है। इस वजह से लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है, देश की व्यवस्थाओं पर भरोसा बढ़ा है। विकास और विश्वास की यही एकता एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण को गति देती है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी हर योजना में, हमारी हर नीति में और हमारी नियत में एकता हमारी प्राण शक्ति है। इसे देख करके, सुन करके सरदार साहब की आत्मा जहां भी होगी हमें अवश्य आशीर्वाद देती होगी। साथियों, पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, विविधता में एकता को जीने के हमारे सामर्थ्य की निरंतर परीक्षा होगी, गांधी जी ने कहा था। और आगे कहा था, इस परीक्षा को हमें हर हाल में पास करते रहना है। बीते 10 साल में भारत ने विविधता में एकता को जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है। सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है। आज वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं और दुनिया इसकी चर्चा भी करती है। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे, हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया, हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। वर्रा एक वक्त था कहीं बिजली तो होती थी, कहीं अंधेरा होता था, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड टुकड़ों में बटी पड़ी थी। हमने वन नेशन वन ग्रिड इस संकल्प को पूरा किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया, एकीकृत किया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। साथियों, एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन
वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा, और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है, और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी, देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है, 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी, वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए।